इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कम से कम पैसों में जो है बेहतरीन चीज मिले। टाइम एंड अगेन कंपनीज ने जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ बजट फैमिली और कार का एक बेहतरीन पैकेज लेके हमारे मार्केट में आती रही है। को भी ये लगता था कि बजट कार्स जो है वो बोरिंग दिखती है, रेनो ने जो है उनको क्विड के साथ गलत प्रूफ किया। आई मीन लुक एट द कार, ये जो कार है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। हमेशा से ही इसको एक मिनी एसयूवी के तौर पे पोजीशन किया गया। ये मिनी एसयूवी कहना सही होगा या गलत वो तो डिबेटेबल है, बट एनीवेज इट्स बेसिकली अ स्मॉल हैचबैक कार। अब ये एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से अगर आप देखो तो इसका डिजाइन जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सामने हमें एलईडी डायल्स मिलते हैं, स्प्लिट हेड लैंप देखने को मिलता है। ओवरऑल काफी ज्यादा जो डिजाइन हाइलाइट्स हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम द रेनॉल्ट केजेई इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। ओवरऑल जो प्रोपोर्शंस हैं इट स्टिल रिमेन्स दैट ऑफ द क्विड, बट जो डिजाइन है वो और भी ज्यादा मच्योर हो गया है। इंटीरियर्स में भी जो है काफी सारी चीजें हमें नई देखने को मिलती है। इनफैक्ट देयर इज एन एंटायरली न्यू डैशबोर्ड। जो डिजाइन है वो काफी सिंपलिस्टिक है। डेफिनेटली जो ओवरऑल प्लास्टिक की क्वालिटी है वो हार्ड प्लास्टिक्स है, सो इट्स नॉट द मोस्ट प्रीमियम और द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, बट स्टिल इट्स मच बेटर जो पिछले वाले क्विड से अगर आप कंपेयर करते हो तो। डैशबोर्ड के सेंटर में आपको एक 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। ये टच स्क्रीन जो है डायरेक्टली लिया गया है फ्रॉम द रेनॉल्ट ड्राइवर। अब जो डुअल ग्लोव बॉक्स यूनिट पहले आया करता था उसको यहाँ पे रेनॉल्ट ने गुड बाई किया है, बिकॉज अब यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स भी देखने को मिलते हैं। एंड जो एक ग्लोव बॉक्स आपको मिलता है वो बहुत ही डीप, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कौन सी कार में जो है इतना ज्यादा डीप ग्लोव बॉक्स देखा था इन दिस सेगमेंट। ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो डिसेंट है, अच्छी है। जो स्टीयरिंग है मुझे बहुत पसंद आता है, होल्ड करने में जो है आपको एक काफी अच्छी फीलिंग आती है। टायर ट्रिम्स आपको ये लेदर टैप भी मिल जाता है। स्टोरेज स्पेसेस की कमी कोई भी नहीं है। अगर आप फ्रंट दो सीट्स में बैठते हो आइदर एज अ ड्राइवर और को पैसेंजर तो आपको स्टोरेज स्पेस की कमी नहीं होगी, बट रेयर में जो है बॉटल होल्डर्स नहीं मिलते हैं। बॉटल होल्डिंग के लिए स्ट्रैप्स दिए जाते हैं जस्ट आर्मरेस्ट के पीछे, बट मुझे वो बहुत ज्यादा कुछ एज सच यूजफुल नहीं लगते हैं। तो कैबिन का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है, हालांकि आपको टाइम एंड अगेन रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आप जो है एक बजट कार में बैठे हुए हो। सीट्स की जहां तक बात है तो दे आर गुड वेल शेप्ड सीट्स, बट टू माई पर्सनल लाइकिंग ये मुझे थोड़ी सी टाइट लगी। ब्लॉस्टरिंग अच्छी है बट रेयर सीट्स में जो है आपको अंडर थाई सपोर्ट कम मिलता है। हेड रूम सफिशियंट है, लेग रूम भी सफिशियंट है, तो स्पेस वाइज देयर इज नो इशू, बट द सीट्स कुड हैव क्लियरली बीन अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। इसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है अगर आप आफ्टर मार्केट अच्छे सीट कवर्स लगवा दो जिसमें थोड़ी सी पैडिंग एक्स्ट्रा होती है। इंपॉर्टेंट नहीं होते थे बट आज के दौर में जो है फीचर्स हर सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंकफुली रेनॉल्ट ने जो है क्विड के साथ फीचर्स को हमेशा से ही टॉप प्रायोरिटी दिया था, एंड दिस कंटिन्यूज विद द न्यू क्विड एज वेल। जहां तक बात है नए क्विड की तो यहां पे आपको देखने को मिलता है एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। जो टच स्क्रीन का रिस्पांस है वो बहुत ही अच्छा है एंड इट्स रियली गुड। हालांकि जो स्पीकर्स है वो और अच्छे हो सकते थे, साउंड क्वालिटी इज जस्ट एवरेज। अगर आप ऑडियो फाइल हैं और म्यूजिक सुनना आपको बहुत पसंद है देन यू माइट नॉट बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन विद दीज स्पीकर्स। क्लस्टर भी यहाँ पे अब ड्राइवर से ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है एंड इन माई ओपिनियन दिस लुक्स वेरी गुड। ये एक एंटायरली डिजिटल यूनिट है, आपको कुछ भी एनालॉग इसमें नहीं मिलता है, बट जो इन्फॉर्मेशन ये देती है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा रेयर पार्किंग कैमरा जिसकी क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है, पार्किंग सेंसर्स, एयरबैग्स, एबीएस, कीलेस एंट्री, ये सारे फीचर्स जो है आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं। एंड डेफिनेटली फीचर वाइज जो है कंप्लेन करने को कुछ भी नहीं है। फ्रंट पावर विंडोज हैं, उसके स्विचेस जो है आपको डैशबोर्ड पे मिलते हैं, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू हैव दिस स्विचेस, बट इस सेगमेंट पे आप कंप्लेन करने को भी मतलब क्या कंप्लेन करें यार, मिल रहा है पावर विंडोज और अच्छा काम कर रहा है तो बस सही है। जो रेयर पावर विंडोज है वो ऑप्शनल है, तो फाइनली रेनॉल्ट ने जो है इस चीज को एड्रेस किया है। इन केस अगर आपको रेयर में पावर विंडोज चाहिए तो अब आप फैक्ट्री फिटेड ले सकते हैं, विच इज अ गुड पॉइंट। यस इट्स गुड। बातें होगी कार के डिजाइन की और कार के फीचर्स की,
बट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर इसकी ड्राइव कैसी है. नाउ इस चीज को जो है मैं थोड़ा सा डिवाइड करूंगा इन द प्रोज एंड इन द कॉन्स. सबसे पहले मैं प्रोज की बात करता हूं बिकॉज गुड थिंग्स फर्स्ट. जो इस कार की राइड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है. इनफैक्ट इस सेगमेंट के हिसाब से इसकी जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है, जिस तरीके से शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, वो बहुत अच्छी है. एंड आपको जो है, चाहे आप एज अ पैसेंजर ट्रैवल करो या एज अ ड्राइवर आप इस कार को चलाओ, आप इस कार की राइड क्वालिटी पसंद आएगी. ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी डिसेंट है एज अ रेगुलर सिटी कार. बट इस चीज के बारे में मैं थोड़ा आपको और विस्तार से बताता हूँ. तो सबसे पहला और सबसे जो नोटिसेबल चीज है इस कार की वो है इसकी इंजन नॉइज. बहुत ही ज्यादा नॉइजी इंजन है एंड एनवीएच जो है वो बहुत ज्यादा कुछ ओवर द टॉप नहीं है. मुझे लगता है इससे बेटर एनवीएच लेवल हो सकता था. काफी ज्यादा नॉइजी इंजन है. लो रेंज का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है. जो क्विड का सबसे बेहतरीन पॉइंट है वो है इसका मिड रेंज परफॉर्मेंस. मिड रेंज जो है वाकई में काफी अच्छा है. एंड देन धीरे धीरे जैसे आप टॉप एंड की ओर जाते रहोगे जो इसका परफॉर्मेंस है वो डिप कर जाता है. और अगर आप 800 एंड 1000 सीसी में कंफ्यूज हो तो प्लीज गो फॉर दी 1000 सीसी इंजन. 800 सीसी इंजन है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक ऑफ पावर लगेगी. इसी वजह से क्यों ना 1 लीटर वाला ही इंजन ले लो जो कि आपको ओवरऑल एक बेटर परफॉर्मेंस रिटर्न करेगा. अगर आप एएमटी की भी बात करते हैं तो जो एएमटी है इसमें मैनुअल मोड नहीं आता है. एएमटी का भी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा आपको स्लगिश लगता है. मतलब जो शिफ्ट्स है उसमें आपको थोड़ा सा डिले महसूस होगा, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट. इससे बेटर एएमटी यूनिट्स जो है हमने डेफिनेटली देखा है. नाउ फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या आपको क्विड लेना चाहिए. ओवरऑल अगर आप क्विड को एज अ पैकेज देखो तो ये किन के लिए बनी है. ये बनी है उन लोगों के लिए जो एवरीडे सिटी ड्राइविंग में इस कार को यूज करने वाली है. उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये कार जो है सभी करेक्ट बॉक्सेस को टिक करने वाले हैं. ये एक बेहतरीन फैमिली कार है, ना है सिर्फ ड्राइवर बट कि पैसेंजर्स के लिए भी जो है ये इन कैबिन एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा देता है. आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, आपको बड़ा बूट स्पेस मिलता है. ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं. ऑल इन ऑल एवरीडे सिटी ड्राइविंग के लिए भी जो इसका परफॉर्मेंस है वो एडिक्वेट है. एंड वंस इन अ वाइल अगर आप इसको हाईवे पे भी लेके जाते हो तो आई डोंट थिंक कि आप जो है उतने ज़्यादा निराश होने वाले हो. 3 साल पहले क्विड जो है इकलौती ऐसी कार थी जो इस टाइप के पैकेज के साथ आती थी. बट अब वक्त बदल चुका है और मार्केट में एक और दूसरी कार आ चुकी है जो क्विड को काफी कड़ी टक्कर दे रही है. इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आपसे मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो.